आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 30 जनवरी के दिन गांधी का वध हुआ था, जिसने हमारे पार्टी के मुखिया उस समय के नाथूराम गोडसे जी और वीर आप्टे जी दोनों शहीद, हमारे दोनों जवानों को शत शत नमन। हम वीर गोडसे और वीर आप्टे, भारत के अंतिम क्रांतिकारी जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के अपराधी मोहनदास करमचंद गांधी का आज ही के दिन 30 जनवरी को वध कर दिया था, 25 नवंबर 1949 को फांसी का फंदा चुनकर सर्वोच्च बलिदान दिया, उस स्वाभिमान हिंदुओं को शत शत नमन, शत शत नमन। नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे अमर रहे। आज आप लोग क्या कर रहे हैं जी? आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम आज नाथूराम गोडसे जी को, यह हम लोग सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि उस समय के मीडिया जिस तरह से छद्म भेष में मोहनदास करमचंद गांधी ने पाकिस्तान को बंटवारे के समय पाकिस्तान को सारा चीज देते हुए हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के राजनीति को बंटवारा कर दिए थे, अगर हिंदुस्तान की राजनीति उस दिन नहीं मारते हमारे नाथूराम गोडसे जी के सीने पर, तो 3 दिन बाद हमारे भारत को बीचों बीच बंटवारा करने जा रहे थे। जो 30 लाख रुपया, जो 55 लाख रुपया का भी मांग हुआ था उस समय, 55 लाख रुपया भी देने के लिए मांग रख लिए थे प्रस्ताव, और उस समय हमारे बंटवारे की राजनीति जो कर रहे थे उसके वजह से उनके बीच सीने में गोली मारे गया। इसलिए हम महात्मा गांधी को हम वध करने के उपरांत उनको वध करने की उपाधि देते हुए हम उनको शत शत नमन करते हैं। अपना परिचय दीजिए। हम प्रदेश अध्यक्ष चंद्रा तिवारी। मोबाइल नंबर क्या हुआ? मेरा मोबाइल नंबर 8577992184।